मॉर्निंग स्ट्रेंथ। सो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में आयोपेक नोमेनक्लेचर फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। काफ़ी आसान है, नोमेनक्लेचर तो बहुत इजी होता है। सो एल्डिहाइड कीटोन के लिए इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं, और क्या क्वेश्चन आता है नीट में, चाहे आईटी मेन में, एडवांस में, वो भी डिस्कस करेंगे। तो बड़ा आसान है, सबसे पहले एल्डिहाइड डिस्कस करते हैं, फिर कीटोन। एल्डिहाइड में रिंग नहीं है, साइक्लिक नहीं है, बाईसाइक्लो भी नहीं है, स्पायरो भी नहीं होता, सिंपल लीनियर होता है। तो एल्डिहाइड अब इसके बारे में जो कुछ जानते हैं, जनरल फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स, वो सब डिस्कस करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जनरल फॉर्मूला एक ही जैसा है। CnH2nO यह एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फॉर्मूला है, जहां पे n का वैल्यू अगर आप पुट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, तो वो आपको एल्डिहाइड मिलते रहेगा। तो 1 रखेंगे तो CH2O फॉर्मल्डिहाइड, 2 रखेंगे एस्टल्डिहाइड, तो ये फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप आप यूज करते हैं CHO, जिसमें अगर आप बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो C डबल बॉन्ड O और H होगी। आयोपेक नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर आपको यूज करना है अल्केन, AlkaneO और प्लस Al और OL रहता है तो अल्कोहल के लिए। ध्यान रखना है, अगर आपका OL है तो OL बिलोंग करता है अल्कोहल के लिए, अल्कोहल ऐसे, और Al ऐसे, तो Al का मतलब होता है ये एल्डिहाइड ऐसे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो मैंने अल्कोहल में बताया था कि ये जो नोमेनक्लेचर का रूल है कि ये ई और ए एक साथ नहीं रहेगा, दो वॉयल अगल बगल में नहीं रखना आपको, तो इसमें से ई काट देना है, ई को ऐसे कट कर देना है। तो आपका आयोपेक नोमेनक्लेचर हो गया AlkaN और Al, ये है आयोपेक नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट, कभी कभी ये प्रीफिक्स में आएगा, तो प्रीफिक्स तो इस ग्रुप का प्रीफिक्स जो है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्माइल। सो प्रीफिक्स है फॉर्माइल। तो ये हो गया, बाकी प्रैक्टिस करना है जो कि एकदम आसान है, क्योंकि इसमें बाईसाइक्लो स्पायरो रिंग नहीं होता है एल्डिहाइड में। तो स्टार्ट करिए। तो HCHO ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, कॉमन नेम, फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम है। और अगर आयोपेक नेम पढ़ेंगे तो एक कार्बन है, एक कार्बन को आप जानते हैं मीथेन, और AnAl मीथेनल, ये हो गया मीथेनल। आप जानते हैं बॉन्डिंग, इसमें बॉन्डिंग आप जानते हैं कि ये ऐसे लिखते हैं आप, ये C डबल बॉन्ड O और H ऐसे, ये है मिथेनल, आयोपेक नेम हुआ, कॉमन नेम आपको पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड है, कॉमन नेम हुआ। नेक्स्ट, CH3CHO C ऐसे। तो मिथेनल, और इसमें टू कार्बन है, टू कार्बन का इथेनल, इथेनल इथेनल, और कॉमन नेम आप जानते हैं एसिटाल्डिहाइड।
कॉमन नेम आपका पढ़ा हुआ है, ये ग्लाइऑक्सल होता है, और आइपेक नेम लिखेंगे तो टू कार्बन है, तो टू कार्बन के लिए लिखेंगे इथेन और वन टू, यहां ई लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं इथेन, क्योंकि वन टू डाई एल आता है तो ई के बाद डी आने वाला है, तो आप लिख सकते हैं इथेन वन टू डाई डाई और ए एल, ऐसे लिख सकते हैं। और बाकी आप कॉमन नेम लिख लेंगे, कॉमन नेम आप पढ़े हुए हैं ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल ये कॉमन नेम। नेक्स्ट, प्रोपेनल डिहाइड आप देख रहे हैं, यहां से आप करेंगे नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री, ऐसे वन टू थ्री, तो आप आईपेक नेम लिखना हो तो प्रोप ए एन, वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ए एन एल प्रोपेनल। यह है एल्डिहाइड, अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे, ये मेन चेन है, नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री, वन टू थ्री ऐसे, तो इसका नाम हो गया प्रोप टू इन, वन वन लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं वन ए एल, हो गया, छोड़ भी सकते हैं वन, छोड़ भी सकते हैं। मेन चेन फोर कार्बन, नंबरिंग करेंगे ये वन टू थ्री फोर, ओके। नाउ आपको नाम लिखना है ब्यूट टू, टू यहाँ पे डबल बॉन्ड जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ लिखते हैं टू ई एन वन ए एल, वन छोड़ भी सकते हैं। तो मेन चेन है फोर कार्बन हुआ, फोर कार्बन नंबरिंग करेंगे आप वन टू थ्री फोर, और नेम जब लिखेंगे आप आईपेक नेम तो ब्यूट टू इन, और ई एन ई कर दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि आगे आने वाला है वन और फोर और डाई और ए एल, वन फोर डाई ए एल, ऐसा है। ये आप नंबरिंग करेंगे मेन चेन, आप ये लेंगे लॉन्गेस्ट और मेन मेजर जो फंक्शनल ग्रुप है सिनर्जी टेबल में, एल्डिहाइड काफी ऊपर होता है अल्कोहल और ब्रोमीन से, तो वन करेंगे आप और टू थ्री और फोर ये, और ये लोग प्रीफिक्स में आएगा, ये दोनों जो है वो प्रीफिक्स में आएगा और अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, तो सबसे पहले तो ब्रोमो कर लीजिए, टू ब्रोमो पहले तो करना है आपको, टू ब्रोमो थ्री, आप जानते हैं इसका प्रीफिक्स अल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है, हाइड्रोक्सी नाउ वन टू थ्री फोर ब्यूटेन, ब्यूटेन और वन लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, वन एल लिखना हो लिख सकते हैं। ये एल्डिहाइड में बहुत ज़्यादा नोमेनक्लेचर नहीं है आपका, या कीटोन भी छोटा ही है, बाकी दोनों हम लोग करके देख लेते हैं एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है आपसे।
मान लीजिए कुछ ऐसे मैंने इस तरह से दे दिया, तो आपका मेन चेन तो समझ में आ रहा है कि मेन चेन जो है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 ऐसा मेन चेन ये रहा। तो आपका नंबरिंग करना हो तो आप जानते हैं कि ब्रोमीन एंड ओएच में, ब्रोमीन ओएच में सिनेरेटिक टेबल में अल्कोहल ज़्यादा सिनेरल ग्रुप है, तो आप नंबरिंग करेंगे इस जगह से, 1 करना है आपको, 2 3 4 5 ऐसे। बाकी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए आपको नेम लिखना है, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 4 ब्रोमो। सो 2 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल, 5 कार्बन पेंट, 3 इन, 1 5 ENE कर लीजिएगा, और 1 पे 5 पे डाई AL। फॉर्मेल्डिहाइड में यही है, और जो क्वेश्चन होंगे मैं देख लेता हूँ एग्जाम में क्या क्या पूछा, और पहले कीटोन कर लेते हैं, दोनों को एक साथ हम लोग जो एग्जाम के क्वेश्चन है डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आप कीटोन, कीटोन के लिए प्लानिंग करते हैं। तो जनरल फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप, आईपेक नेम, तो सबसे पहले जनरल फार्मूला, CN H2NO, सेम एल्डिहाइड कीटोन दोनों का जनरल फार्मूला सेम ही रहता है, जहां पे N जो है वो बिलोंग करेगा 1 से 2 3 4 5 6 ऐसे, N का ये वैल्यू। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप CO ऐसे बोलते हैं, या इसको प्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे, ये है फंक्शनल ग्रुप कीटोन के लिए। नेक्स्ट आईपेक नेम, तो ALKANE और प्लस आप जानते हैं ONE, तो यहां भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ई और ओ दो वॉवल जो है एक साथ नहीं रखना है, इसमें से ई को हटाना है आपको, ई को ऐसे कट कर लेना है, मतलब जो आप आईपेक नोमेनक्लेचर इसमें लिखेंगे तो उसमें आपको यूज करना है ALKANONE, ऐसे यूज करना, ये हो गया। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कई जगह यूज होता है इसके, प्रीफिक्स में प्रीफिक्स कीटोन के लिए प्रीफिक्स जो हुआ वो यूज करते हैं OXO, ऑक्सो, ऑक्सो यूज करेंगे, या फिर हम लोग यूज करेंगे कीटो, ऑक्सो और कीटो, ये यूज करेंगे प्रीफिक्स। मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कि कब प्रीफिक्स आपको यूज करना है, कब सफिक्स में यूज करना है, इसमें भी एग्जांपल कम ही है, इसमें रिंग आएगा, बाईसाइक्लो स्पायरो आएगा इसमें, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे छोटा कीटोन तो यही होगा 3 कार्बन का, 1 कार्बन 2 कार्बन तो मिलेगा नहीं, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये हुआ आपका जस्ट प्रोप, प्रोप AN, आप डायरेक्ट ओन लिख सकते हैं, प्रोप प्रोपेनोन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ आप चाहे तो 1 2 और अगर ओन लिखा है आपने तो उसका मतलब ही है 2 पे,
क्योंकि वन पे तो कर नहीं सकते, अगर वन पे कर देंगे आप, अगर ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 और ऐसे लिखेंगे तो ये कीटोन नहीं रहा ना, ये तो एल्डिहाइड हो जाएगा, तो अपने आप पता चल जाता है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन कॉमन नेम है, आप जानते हैं इसको एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन। ये हो गया तो ब्यूटेनॉन, टू ब्यूटेनॉन भी कर सकते हैं, आप नंबरिंग करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो इसको ब्यूटेनॉन, क्योंकि ब्यूटेनॉन का मतलब ये है दूसरे पोजीशन पे ही आना है आपको, वन पे तो हो ही नहीं सकता है, वन पे तो आएगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, तो वो दो पे ही आएगा, अब इधर नहीं कर सकते, इधर करेंगे तो फिर नंबरिंग में इधर से टू आ जाएगा, तो ब्यूटेनॉन क्या आपकी मर्जी, टू ब्यूटेनॉन। ये लिख सकते हैं, यहां नंबरिंग करना पड़ेगा, अगर आप 5 कार्बन मिलेंगे तब आपको करना पड़ेगा नंबरिंग, अगर आप 5 कार्बन का ऐसे ले रहे हैं तब आपको यहां नंबरिंग करना होगा, और नंबरिंग करेंगे जब आप तो यहां पे जहां से नजदीक रहेगा फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 ऐसे करना। पेंटेन 2 ओन कर सकते हैं, या लिख सकते हैं 2 पेंटेनॉन। टू पेंटेनॉन आप लिख सकते हैं, 2 पेंटेनॉन। मान लिए ऐसे यही पेंटेनॉन में अगर यहां रहे तो नंबरिंग करेंगे तो ये 3 पेंटेनॉन हो जाएगा, तो पेंटेनॉन में नंबरिंग करना जरूरी है, ब्यूटेनॉन में जरूरत नहीं है, ब्यूटेनॉन में तो 2 ही रहेगा हमेशा, तो यहां पे आप नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 और 2 3 4 5, तो 3 पेंटेनॉन। तो नंबरिंग करेंगे आप, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसा हो, तो 5 5 के लिए हुआ आपका पेंट। सेचुरेटेड है तो AnE कर लीजिएगा, AnE कर सकते हैं क्योंकि यहाँ आने वाला है 2 4 डाई ओन, तो डाई आएगा तो आप E लिख सकते हैं 2 4 डाई ओन ऐसा हो गया। इसमें रिंग आ सकता है, इसमें रिंग कर सकते हैं, तो जैसे अगर आप रिंग बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इसको साइक्लो, रिंग का मतलब हुआ साइक्लो, 6 कार्बन है, हेक्स AnOn, साइक्लो हेक्सेनोन कर सकते हैं, तो रिंग इसमें आ जाएगा। रिंग में ऐसे ही बना सकते हैं साइक्लोहेक्सेन, AnE कर सकते हैं साइक्लोहेक्सेनोन, हेक्सेनोन, और 1 2 डाई ओन कर लीजिएगा, और ऐसे नंबरिंग करेंगे तो ये है 1, तो ये 2, ये 3 4 5 6, साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई ओन ऐसे हो गया। Thank you.
मान लिया ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखिए समझिए, यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करेंगे कैसे, तो ये है आपका नंबरिंग करेंगे तो 1 और ये 2, 3, 4, 5, 6। और मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये एक ब्रांच हो गया जिसमें आप नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा 1-2-3-4, ऐसे करेंगे। और अब आप लिखेंगे ऐसा, ऐसा लिखते हैं जो कि आपको सिखाया था मैंने क्लास में, 2 लिखना है और ऐसे ब्रैकेट बनाना है, बेस्ट होगा ब्रैकेट बना लीजिए क्योंकि ये पूरे ग्रुप का जो है ना, इस पूरे ग्रुप का नाम लिखना है 2 पे। तो अब ये प्रीफिक्स में आएगा, ये जो आपका ये जो कीटोन है ना प्रीफिक्स में वर्ड रूट से पहले आ रहा है, तो अब आपको लिखना होगा 3-3-ऑक्सो ऑक्सो ऑक्सो या कीटो लिख सकते हैं, ऑक्सो कीटो दोनों चलते हैं। और 4 है तो ब्यूटाइल ब्यूटाइल, ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। अब इसका नाम हो गया साइक्लो। 6 कार्बन है हेक्स, ANONE साइक्लो हेक्सेन, ऐसे यहां प्रीफिक्स में यूज हो गया। यह है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, और ऐसे ये ब्रांच हो गया। ब्रांच का नाम कर देंगे इसमें 1-2-3 और ये हो गया 4, ऐसे नाम कर देंगे, ठीक। चलिए अब प्लान करते हैं 2, ऐसे ब्रैकेट बना लीजिएगा, ठीक है। ये सब प्रीफिक्स में आएगा, तो ये वाला हाइड्रोक्सी बोलते हैं, ठीक है। और ये है ऑक्सो हो गया, तो अल्फाबेटिकल फॉलो करेंगे पहले आप, तो H 2- हाइड्रोक्सी, 3- ऑक्सो, और ये 4 कार्बन है ब्यूटाइल, ब्रैकेट बंद, ऐसे ब्रैकेट बंद हो गया। नाउ साइक्लो हेक्स AN ओन साइक्लोहेक्सेनोन, 1 लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ये हो गया। स्पायरो बाइसाइक्लो भी इसमें यूज होता है, लिख लीजिए, आप सब जानते हैं स्पायरो बाइसाइक्लो, तो एक बाइसाइक्लो लिख लीजिए, एक स्पायरो लिख लीजिए। सिंपल ही ले लीजिए, मान लीजिए सिंपल ऐसे लेना, ये ऐसे लेना, ये है बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो हो गया, और कीटोन ग्रुप भी है। बाइसाइक्लो का रूल जानते हैं कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज, बाइसाइक्लो में ये स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज टुवर्ड अ हायर रिंग, एस 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एस। बाकी नेम लिखना है तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाइसाइक्लो, वन टू थ्री फोर, 4, 1, 0 ये है बाइसाइक्लो, और 4 इधर हुआ राइट साइड में, 1 हुआ 0, और यहाँ पे है 7, 7 का मतलब है AN 7 ओन हो गया। देखिए 7 पे कीटोन हो गया, इस बार कर लीजिए। यह स्पायरो हो गया, तो स्पायरो का रूल आप जानते हैं कि स्पायरो में नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम लोअर रिंग, लोअर रिंग, लोअर रिंग में ऐसे में स्टार्ट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे स्पायरो में नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम लोअर रिंग। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्पायरो, ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, तो इसमें होता है हायर टू लोअर, और इसमें क्या होगा लोअर टू हायर, लोअर साइड में कितने कार्बन 1, 2, 3 और हायर साइड में कितने कार्बन 5, 3, 5 स्पायरो 3, 5 नाउ टोटल है 9 नोन AN
ई लिख सकते हैं क्योंकि डाई आने वाला है, एन ई, और 27, 2.7 और डाई ओन, ऐसे हो गया 27 डाई। तो कीटोन में यही है आपका, तो साइक्लिक, बाइसाइक्लो, स्पायरो, कीटोन का ये एग्जाम्पल है। अब मैं देख लेता हूँ कि एग्जाम में क्या क्या पूछा हुआ है एल्डिहाइड से, कीटोन से, और मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको। तो नोमेनक्लेचर बहुत इजी है, एकदम आसान है, मेन तो सारे रिजल्ट अल्केन में है नोमेनक्लेचर के लिए। तो अभी मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ और डिस्कस करता हूँ। सो 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ एल्डिहाइड और कीटोन के कॉमन नेम से जो एग्जाम में आया हुआ है। और ये एक क्वेश्चन जो है मेसिटाइल ऑक्साइड, ये कॉमन नेम लिखा हुआ है और ये है आईआईटी मेन का क्वेश्चन, 2021 क्वेश्चन है, जो लास्ट पेपर हुआ था मेन का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ये कॉमन नेम है मेसिटाइल ऑक्साइड और इसका मुझे चाहिए था आईपेक नेम चाहिए था इसमें, ठीक है। तो IUPAC आईपेक और नेम चाहिए था इसका, और दो क्वेश्चन था इसमें, आईडी मेन में एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था उसमें। पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर एक और क्वेश्चन इसी में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेसिटाइल ऑक्साइड। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है आईपेक नोमेनक्लेचर को कॉमन नेम से मिक्स कर दिया गया, और ये मेसिटाइल ऑक्साइड भी है। जिन लोग को रिएक्शन पता हो, जैसे 12th क्लास के स्टूडेंट हैं जिनको एल्डिहाइड कीटोन पढ़ना है, सिलेबस में है, तो वहाँ उनके लिए एक रिएक्शन होता है, बड़ा आसान सा है, एनसीडी का रिएक्शन है, कुछ इस टाइप का रिएक्शन होता है कि मान लीजिए आपके पास एसीटोन है, ये एसीटोन ऐसे लिखते हैं सी और CH3, ये बड़ा कॉमन रिएक्शन है मेसिटाइल ऑक्साइड का, ऐसा रिएक्शन हो। एक और एसीटोन लेना है और एक और एसीटोन कुछ ऐसे लेना है, एसीटोन एक और लेना है आपको इस तरह से, ऐसे तो दो एसीटोन लिया जाता है, ये रिएक्शन है, रिएक्शन के फॉर्म में, ये बड़ा कॉमन रिएक्शन है, बट ये पढ़ना है रिएक्शन 12th क्लास में। अब ये दोनों को सामने रखना है और इस पर रिएक्शन करना है H2SO4 का, तो कीटोन लेना है और इस पर H2SO4 या फिर HCl भी आप डाल सकते हैं, और ऐसा करने पे ये दोनों आमने सामने रखिएगा तो H2SO4 का प्रॉपर्टी आप जानते हैं, H2SO4 वाटर एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से क्या खींचेगा वाटर, या HCl भी कोई भी एसिड लेंगे तो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, ये वाटर एब्जॉर्बिंग पावर होता है, और जैसे ही ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो अब आप देखेंगे आपका प्रोडक्ट बना कुछ ऐसे CH3 और ये C और ये बना CH3 और ये हुआ डबल बॉन्ड ऐसे, और ये बन गया CH और ये हुआ C डबल बॉन्ड और CH3। ये है एनसीईआरटी का रिएक्शन है, 12th क्लास के बुक में है, ये सिलेबस में हम लोग पढ़ते हैं जब एल्डिहाइड कीटोन डिस्कस करते हैं, और वहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि ये है मेसिटाइल ऑक्साइड। तो क्वेश्चन तो आता तो है एनसीईआरटी से ही है, बट अब ये नोमेनक्लेचर है, लगेगा कि 11th क्लास का है, बट ये फ्यूचर है, 11th एंड 12th क्लास दोनों मिक्स किया हुआ है। तो अब जो लोग जानते हैं रिएक्शन, जो लोग इस बात समझते हैं कि ये मेसिटाइल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, नोमेनक्लेचर तो अब बड़ा आसान है। नोमेनक्लेचर भी क्या है, आप जानते हैं कि मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन ये वाला है, और फंक्शनल ग्रुप ये मेन कहलाएगा, सीनियरिटी टेबल में ये ज़्यादा सीनियर है अल्किन से, तो 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया ये 5। अब आपको आईपेक नेम लिखना है तो ऑप्शन में था इसमें, तो आप देखेंगे तो ये हुआ 4 मिथाइल, 4 मिथाइल हुआ, और 5 कार्बन है पेंट, 3 इन और 2 ऑन हो गया, यही तो है। अच्छा फिर से आया, फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी 2021 का ही है, पूछा गया मेसिटाइल ऑक्साइड, ये आईडी मेन का ही क्वेश्चन है, मेसिटाइल ऑक्साइड में पूछा गया कि बताइए इसमें कि नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ऐसे सिग्मा बॉन्ड्स चाहिए, तो नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स चाहिए, ठीक है। तो ये भी 2021 का इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया, वो तो आपका ऑप्शन लिखा हुआ था, ये इंटीजर में आया था। तो अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं फिगर, आपने पढ़ा, मुझे सिर्फ कार्बन कार्बन चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, और सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं, सिग्मा बॉन्ड, देखिए मुझे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन देखिए, ये है एक कार्बन और ये है एक कार्बन, कार्बन कार्बन
यह सिग्मा बॉन्ड वन हो गया। अगेन कार्बन कार्बन, सिर्फ मुझे कार्बन कार्बन चाहिए, दूसरा हो। ये देखिए ये कार्बन है, कार्बन है ये, बट एक बॉन्ड है सिग्मा और एक बॉन्ड होता है पाई, डबल बॉन्ड में आप जानते हैं ना पाई हुआ ऐसे। फिर यहाँ पे कार्बन है और कार्बन है, कार्बन कार्बन, ये बॉन्ड हुआ सिग्मा, फिर से ये कार्बन हुआ और ये कार्बन हुआ, ये बॉन्ड भी हो गया सिग्मा ऐसे। तो मुझे चाहिए नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ भी कई लोग बोलते हैं सर ये भी सिग्मा है बट ये कार्बन ऑक्सीजन है ना, सिग्मा तो यहाँ भी है बट ये कार्बन हाइड्रोजन है, मुझे सिर्फ चाहिए कार्बन कार्बन। तो ये है आपका आंसर था 5, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट सो 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से। सो नेक्स्ट क्लास सीट, जो क्लास में मैं आपको सीट देता हूँ ना उसी से मैं डिस्कस कर देता हूँ। आसान है इसमें, जैसे पीएमटी में आया हुआ है कि हमें चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस 2-hexenAL, तो इसमें लिखा हुआ ट्रांस 2-hexenAL, तो इसमें ऑप्शन में फिगर लिखा हो क्या आप टिक करेंगे, ये है एक पीएमटी क्वेश्चन है, तो पीएमटी क्वेश्चन हुआ और मुझे इसमें से 4 फिगर लिखा हुआ है उसमें से हमें सेलेक्ट करना है। ट्रांस है जानते हैं सिस्टर्स 2-hexenAL, तो सबसे पहले ऐसे बनाएंगे कि 6-hex 1 2 3 4 5 6, ये हेक्स हो गए, 1-hex और 2 पे इन है, 2 हुआ इन ऐसे, और AL AL मतलब एल्डिहाइड यहाँ पे ऐसे, ये हो गया। और ये क्या है ट्रांस है, ट्रांस का मतलब एक हाइड्रोजन इधर रखना है एक हाइड्रोजन अपोजिट रखना है ऐसे, और यहाँ पे लिखना है CH2 क्योंकि कार्बन के 4 वैलेंसी है CH3 है, ठीक है। तो अब देखिए अब मुझे सजाने दीजिए, ये तो हुआ सिंपल फिगर, अब मुझे थोड़ा अच्छा करने दीजिए। तो अच्छा जब करना है तो इसका मतलब ऐसे, ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहाँ पे एच करना है हम लोग को और यहाँ एच करना है क्योंकि कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड, ये एल्डिहाइड होना चाहिए ऐसा, और यहाँ होना चाहिए ऐसा CH2 CH2 CH3, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप ऐसा। ऐसा नहीं रहेगा तो लाइन फिगर में देखेंगे, आप लाइन फिगर में देखना है, मान लीजिए ऐसा नहीं, इस तरह भी कर सकते हैं, मान लीजिए इसको नीचे कर दीजिए और इसको ऊपर कर लीजिए, ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए ऐसा ये इस तरह भी कर सकते हैं, ये है ट्रांस अपोजिट साइड, जो हाइड्रोजन एक ऊपर हुआ एक नीचे हुआ, तो ये फिगर हुआ ट्रांस, और 1 2 3 hex 1 2 3 यहाँ पे 3 हो गया, ये ऐसा रहेगा, नहीं तो आप जैसा आपकी मर्जी, आप ऑप्शन देखेंगे तो आप तुरंत पहचान लेंगे CHO। इस तरह से जो भी ऑप्शन में लिखा रहेगा। फोर्थ पॉइंट, सो मेन के ही क्वेश्चन मैं देखता हूँ। सो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे है एल्डिहाइड और NO2 NH2, इधर है NH2 इधर है NO2 और इधर है S, इस तरह से ऐसे लिखा हुआ ऐसे। मुझे चाहिए इसका आईपेक नोमेनक्लेचर और ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन को देख के भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं जो
आपको सीनियरिटी टेबल बताया गया है आपको क्लास में, सीनियरिटी टेबल का जो मैंने ऑर्डर बताया था, तो उसमें सबसे सीनियर ग्रुप तो यही हुआ, यही सबसे सीनियर ग्रुप हुआ। तो नंबरिंग तो मैं स्टार्ट करूँगा यहीं से, इसी जगह से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा, और आपको यहाँ पे वन और टू ऐसे लेके चलना है। अब क्योंकि अब आपको एक बार सीनियर मिल गया तब आपको फॉलो करना है लो सेट ऑफ लोकेट, तो वन टू और थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसा। अब हम लोग प्लान करेंगे इसमें कि अब नॉमिनेशन लिखेंगे और फॉलो करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल में ये नाइट्रो हुआ, इसका नाम हुआ हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी और मिथाइल, इस ग्रुप का पूरा नाम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल ऐसे। और ये है अमीन, ये वाला अमीन ग्रुप हो गया। तो पहले तो फाइव फाइव पे अमीन मैं देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, तो फाइव है सबसे पहले फाइव अमीनो ऐसे फाइव पे। नाउ देन फोर पे हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल ऐसे, ब्रैकेट बना सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, मैं देख लेता हूँ क्या है, ब्रैकेट है या ऐसे ही है, जस्ट सिंपल लिखा हुआ हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल। देन टू नाइट्रो, टू नाइट्रो, और इसका नाम सबको पता है, ये नाम आप सब लोग जानते हैं। ऑप्शन में जिस फॉर्म में रहेगा उसी तरह से आपको सोचना है, क्योंकि सारे एग्जांपल में ऑप्शन में लिखा हुआ बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, तो आपको ये इसका नाम आप जानते हैं बेंजल डिहाइड, तो ये बेंजल डिहाइड है जिसके ऊपर फाइव पे है अमीनो, फोर पे हाइड्रोक्सी मिथाइल, टू पे नाइट्रो, और फाइनल नेम में आपको बेंजल डिहाइड। ये हो गया ऐसा फाइव। सो आसान है, पास सी एच थ्री सी एच ओ एच, सी एच थ्री है और सी एच है और ओ एच है, फिर यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड, सी एच थ्री सी एच ओ, तो मेडिकल का है आपका, आपको आईपीएक नेम लिखना है, आईपीएक नेम बड़ा आसान है इसमें, तो एकदम सिंपल सा, यहाँ से नंबरिंग पता चल रहा है आपको, वन टू थ्री फोर फाइव। तो यह है फोर हाइड्रोक्सी, फोर हाइड्रोक्सी, टू मिथाइल, फाइव पेंट, टू इन और वन एयर, हो गया। मैं चेक कर ले रहा हूँ, वही होगा ही, तो फोर हाइड्रोक्सी ठीक है, टू मिथाइल पेंट, टू ई ए वन एयर। मेन का कर लेते हैं, एक मेडिकल का और एक आईटी मेन का क्वेश्चन। आई पिक नॉमेनक्लेचर, देखिए आप समझिए तो पहले, आप इस फिगर को देखिए ध्यान से, तो यहाँ मिस्टेक होने का चांसेस लग रहा है मुझे। यह है सी एच थ्री, आप जानते हैं सी एच थ्री, और ऐसा है, ये है आपका C और डबल बॉन्ड और H ऐसे।
फिर यहाँ पे है डबल बॉन्ड ऐसा, और ये है आपका CH3 हो गया, और ये है एसिड ऐसे, ये एसिड ग्रुप। सिनेडी टेबल में सबको पता है सबसे सीनियर जो है एसिड ग्रुप ही होता है, ठीक है। तो आपके पास मिथाइल है और वो एल्डिहाइड है और एसिड ग्रुप है, तो आप नंबरिंग तो करेंगे यहाँ से, ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 फिर 2 3 4 5। कई लोग क्या कर देंगे इधर 6 कर देंगे, ऐसे 6 कर देंगे, ठीक है, बट इधर नहीं जाएगा आपका 6, आपका 6 जाएगा यहाँ पे, ऐसे जाएगा 6 यहाँ पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका वो मेन ग्रुप है ना। अगर आप दो ग्रुप पढ़ेंगे मिथाइल और एल्डिहाइड में, तो सीनियर ग्रुप कौन सा हो गया आपका, वो एल्डिहाइड वाला हो गया, ठीक है, ये नहीं ये नहीं। तो मिस्टेक यहाँ होता है कि जल्दी में लोग 5 और 6 कर देते हैं, तो उससे मिस्टेक हो जाएगा। अब आप नाम लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे तो देखिए ऐसा नोमेनक्लेचर लिखते समय थोड़ा सा आप ऑप्शन को भी, जैसे ABCD है, 4 ऑप्शन है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आ जाएगा 2 पे और 5 पे डाई मिथाइल, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं 2 5 डाई और ये मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल, ठीक। और 6 6 पे 6 पे जो है 6 पे, कई लोग बोलते हैं सर फॉर्माइल लिखिए, फॉर्माइल लिखिए, ठीक है, 6 पे फॉर्माइल लिखेंगे, तो 6 पे फॉर्माइल नहीं, 6 पे लिखना है ऑक्सो। ये जैसे फॉर्माइल है, मैं इसमें ऑप्शन में देख ले रहा हूँ, तो 6 पे फॉर्माइल है, एक तो 6 पे है फॉर्माइल, और 2 मिथाइल हेक्स, 2 मिथाइल हो जाएगा, सिर्फ मिथाइल बट एक ही जगह लिखा हुआ है, 6 पे फॉर्माइल लिखा हुआ है, 2 मिथाइल, वो गलत है, क्योंकि 6 पे फॉर्माइल नहीं है, आप 6 फॉर्माइल लिखा हुआ है तो सिर्फ 2 मिथाइल लिखा हुआ है, अगर 6 फॉर्माइल रहता तो 2 5 डाई मिथाइल होना चाहिए, तो वो नहीं है, आपको एक नहीं है, एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। पहला लिखा हुआ 2 5 डाई मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल तो ठीक है आपका, और 6 ऑक्सो हेक्स ऐसे लिखा हुआ। देखिए ये ग्रुप आपको समझना है कि इस ग्रुप का जो है प्रीफिक्स क्या है, इस ग्रुप का प्रीफिक्स जो है वो ऑक्सो, 6 ऑक्सो, और टोटल कार्बन कितना है आपका, 6 कार्बन है, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए लिख सकते हैं हेक्स, हेक्स हेक्स लिख सकते हैं, और तीसरे नंबर पे इन है, इन हेक्स इन, और 1 1 पे ओइक एसिड, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ऐसा है, ऐसे, सो 6 ऑक्सो 6 ऑक्सो हेक्स, 3 इन, और 1 1 नहीं है, 1 इसमें नहीं है, छोड़ सकते हैं, और ओइक एसिड, इन ओइक एसिड डायरेक्ट लिखा हुआ। तो इसमें जो फॉर्माइल लिखते हैं ना, तो आप इस फॉर्माइल देखिए ऐसा रहता है ऐसे, तो प्रीफिक्स में इसको फॉर्माइल, इसको फॉर्माइल बोलते हैं। और अगर आप सिर्फ इसको लिखना हो ऐसे, मान लीजिए ये वाला आपको सिर्फ यूज करना हो, तो इसको ऑक्सो या कीटो भी यूज कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से ये यूज कर सकते हैं, ऑक्सो या कीटो, ठीक है। तो जो 4 अगर मैच करेंगे ऑप्शन को, अगर 4 मैच करने पे बेस्ट ऑप्शन यही आ रहा है। एक ऑप्शन मुझे शुरू में था लग रहा था कि ऐसा ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है 6 फॉर्माइल, ऐसे लिखा हुआ 6 फॉर्माइल, 6 फॉर्माइल ऐसे लिखा हुआ, और फिर 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लिखा हुआ, तो और लिखा हुआ हेक्स, हेक्स, 3 इन और ओइक एसिड, ऐसे लिखा हुआ। तो मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि नंबरिंग तो यही होगा, नंबरिंग स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए 6 पर फॉर्माइल लिखेंगे, अगर 6 पर फॉर्माइल आपको लिखना हो, तब मिथाइल जो होगा, एक मिथाइल यहाँ आ रहा है, देखिए एक मिथाइल 5 पे आ रहा है और एक मिथाइल 2 पे आ रहा है, 2 5 डाई मिथाइल होना चाहिए था। मान लीजिए अगर 6 फॉर्माइल मैं लिखूंगा तो 2 5 डाई मिथाइल होना चाहिए, तो वो मिसिंग है, वो मिसिंग हुआ आपका। तो ये सही है, ये सही है, ये ठीक है, और ये आपको कट करना है। लग रहा था शुरू में, मैं भी देखा तो लगा कि 6 पे फॉर्माइल कर देते हैं, बट उसके बाद 5 पे 2 पे डाइमिथाइल लिखना पड़ेगा ना, तो वो तो था नहीं। तो जो बेस्ट 4 में से ऑप्शन आया वो ऐसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं उसको, लिखा जाता है। नेक्स्ट 6 7, कोई मेडिकल क्वेश्चन लेता हूं मैं।
एक नीट का क्वेश्चन ले लीजिए। ऐसे लिखा होगा, तो ये नीट का क्वेश्चन और इसका आईपैक नेम लिखना है, जो कि काफी आसान है। और जब मैं आपको सिनेरियो टेबल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि देखिए सिनेरियो में जो होगा वो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ज्यादा सीनियर होता है कीटोन से। तो आप कॉपी में आपको लिस्ट बना हुआ है, तो एल्डिहाइड देन कीटोन। तो अगर मुझे इसमें आपको नंबरिंग करना हो तो नंबरिंग मैं ऐसे कुछ करूंगा, यहां से नंबरिंग करूंगा 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 6, मेरा ये बेस्ट नंबरिंग रहेगा। और अब मैं नाम लिखूंगा, तो एम ये मिथाइल और वो है ऑक्सो प्रीफिक्स में आएगा, तो 2-मिथाइल, अल्फाबेटिकल में पहले एम पहले आ रहा है, 2-मिथाइल 3-ऑक्सो, 2-मिथाइल 3-ऑक्सो। नाउ हेक्स, हेक्स 6 कार्बन है, 4-ईन और 1-AL, ये मैं चेक करूंगा हो गए 3-कीटो लिखा हुआ है। ठीक है, कर सकते हैं 3-कीटो-ऑक्सो, या आप लिख सकते हैं इसके जगह, क्योंकि ऑप्शन में लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं 3-कीटो। कीटो रहेगा, कीटो पहले आ जाएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल में एम और के, एम के पहले आएगा, तो वो लिख लेंगे आप। तो 2-मिथाइल हेक्स 4-ईन हेक्स, 2-मिथाइल हेक्स 4-ईन और 1-AL, 1 नहीं भी लिखा हुआ। ठीक, नेक्स्ट 8। तो सीट में एक क्वेश्चन एम्स का दिख रहा है, तो मैं डिस्कस करता हूँ क्या है क्वेश्चन। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसे लिखा हो इस टाइप का। आसान है बट अच्छा क्वेश्चन है, खराब नहीं है ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि नंबरिंग के लिए आपको चाहिए जाना पड़ेगा कि सिनेरियो टेबल में पोजीशन कहाँ कहाँ है। तो जो सिनेरियो टेबल में, इसमें तीन तीन ग्रुप है, तीन तीन ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि सबसे जो सीनियर ग्रुप हुआ इन तीनों में कीटोन हो गया। कीटोन के बाद आता है अल्कोहल, अल्कोहल आएगा, उसके बाद आता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड उससे पीछे आएगा। तो ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि नंबरिंग जब करेंगे तो सबसे पहले नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1। अब बताइए नीचे जाएं 2-3 करें कि ऊपर जाएं 2-3, नीचे में 2-3, ये 2-3, ऑफकोर्स सीनियर इन दोनों में सीनियर है, अल्कोहल है, तो नंबरिंग आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6, आसान है। अब बाकी आप लिख लेंगे नेम। तो ये हुआ आपका हाइड्रोक्सी 3, हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट साइक्लो हेक्स और 4-ईन और 1-ओन, ये है रिजल्ट। एस 4-ईन, सो 5-हाइड्रोक्सी, ये कैसे 1, 2, 3, 3-हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स। ठीक है, 3-हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स, 3-हाइड्रोक्सी है और साइक्लोहेक्स हुआ, और आपको 5-ईन, 5, 4, 4-ईन, 3-हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स, कुछ मैच नहीं कर रहा है इसमें ऑप्शन। इसमें मैच नहीं कर रहा है कोई भी ऑप्शन, जैसे है हम लोग ये ले रहे हैं कि आपका 1 और 2, 3 और फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4,
थ्री हाइड्रोक्सी, एक तो ऑप्शन है थ्री हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स फाइव इन, साइक्लोहेक्स फाइव इन नहीं है, थ्री हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स और फोर इन और वन ओन, वन ओन लिखा हुआ है, और एक दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ फाइव हाइड्रोक्सी। और अगर मैं ऐसे नंबरिंग करूँ, हाँ बट रूल तो वही है आपका, कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, वन वन हुआ यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, टू और थ्री फोर फाइव और सिक्स, अगर ऐसा मैं नंबरिंग करूँ तो उस केस में यहाँ पे है ये ऐसा, ये तो ऑप्शन है ही नहीं उसमें चारों में, तो अब अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ तो यहाँ पे लिखूँगा फाइव फाइव हाइड्रोक्सी, फाइव हाइड्रोक्सी साइक्लो, साइक्लो फाइव हाइड्रोक्सी है साइक्लो हुआ, और हेक्स 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 जो है आपका टू इन थ्री इन और वन ओ, तो ऐसा ऑप्शन मैं चेक करता हूँ, ऐसा ऑप्शन, तो फाइव हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स थ्री इन और वन ओन है, बाकी एट हाइड्रोक्सी है सेवन हाइड्रोक्सी है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, दो चांस था या तो बी था या डी था, ये वाला है नहीं, ये ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, जब ये नहीं रहेगा तो आपको टिक करना है ये वाला, ठीक है। सही तो ज़्यादा यही रहता है हम लोग को, ये लग रहा है कि आपका सीनियरिटी टेबल तो यही बोल रहा है, आपको सीनियरिटी टेबल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये फॉलो करना। अच्छा और एग्जाम्पल आएगा आगे, तो रिंग में हो सकता है डबल बॉन्ड को हमें लेके के कवर करते हुए जाना पड़ेगा, तो ऑप्शन में ये लिखा हुआ, ऑप्शन जो है आपका लेक्चर 10 में क्वेश्चन नंबर 16, लेक्चर 10 जो सीट में देते रहता हूँ उसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर डी ये ऐसे, तो चार जो प्रोबेबिलिटी है आंसर का उसमें मैच नहीं करेगा, तो फिर आपको जो है ग्रीन वाला लेके चलना पड़ेगा, आगे और आएगा क्वेश्चन ऐसा, मैं आगे लास्ट में जब रिंग करके कई ग्रुप्स उसमें ऐड करके मैं डिस्कस कर दूंगा एक बार फिर से। सो एट हुआ नाइन, तो पीएमटी का बहुत सारे क्वेश्चन है बट अब बना लेंगे आप, तो सी एच थ्री है, सी एच सी एच टू सी एच ओ सी एच टू सी एच ओ ऐसे लिखा हुआ ऐसे, तो यह पीएमटी क्वेश्चन है, आसान है इसमें, इसमें जस्ट आपको शुरू से मैं सिखा रहा हूँ, आपको स्टार्टिंग से मैंने सिखाया कि आपको नंबरिंग करना है, आपको नंबरिंग करना है, यहाँ से करेंगे वन और टू थ्री और फिर ऊपर जाएंगे फोर और फाइव, लॉन्गेस्ट चेन आप देखेंगे, ये नहीं कि लिख के लोग ऐसे सीधे बढ़ जाएंगे फोर कर देंगे, तो वहाँ मिस्टेक हो जाएगा आपका। अब आपको नेम लिखना है इसका, तो आपका थ्री थ्री पे लिखेंगे आप थ्री मिथाइल, थ्री मिथाइल थ्री मिथाइल और वन टू थ्री फोर फाइव पेंट, वन फाइव पेंट लिखना है, पेंटेन कर लीजिए, वन फाइव डाई एयर एल्डिहाइड पेंटेन वन फाइव डाइल, तो मैं चेक कर ले रहा हूँ, थ्री मिथाइल पेंटेन डाइल डाइल लिखा हो, ठीक है सही है, एक और कर लीजिए, और तो सब हो गया है, कुछ नया मैं देख रहा तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ये है आपका, ये भी पीएमटी का आया हुआ है और यहाँ है सी एच ओ जो कि हम लोग डिस्कस किए थे अभी क्वेश्चन ऐसा, और यहाँ है एनओ टू, नेक्स्ट है ओ सी एच थ्री, तो हम लोग यूज करेंगे बेंजल डिहाइड,
पेंजल्टेहाइट नेम में यूज़ करेंगे। और आप जानते हैं सीनियरिटी टेबल में सबसे सीनियर ये हुआ, उसके बाद नंबरिंग करना है लेफ्ट राइट ऐसे करना है, तो ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सिंपल नंबरिंग है। बाकी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे तो 4 पे मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी कर लीजिए, 4 है मिथॉक्सी, 2 नाइट्रो, बाकी बेंजल्डिहाइड डायरेक्ट कर सकते हैं, होगा भी उसी टाइप का है, ठीक है, 4 मिथॉक्सी, 2 नाइट्रो, बेंजल्डिहाइड। क्वेश्चन और भी हैं, बहुत सारे हैं, 10 मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ये एल्डिहाइड और कीटोन का, तो एल्डिहाइड कीटोन नोमेनक्लेचर फाइनल।